आया? ये कहाँ मर गया आया? जी मैडम सरकार, सुनो आया, हम जरा बाहर जा रहे हैं जी, दो घंटे के बाद लौटेंगे, तुम जरा बेबी का ख्याल रखना। बहुत अच्छा बेबी। आइए बेबू। क्या बताऊं बेटे, आज फिर ब्लू हार्स एक इंच से मार खा गया, वरना मैं तेरे लिए किताबों की दुकान उठा लाता। है देख, अब की ये ब्लू हार्स रेड बुक फंटासिया, फंटासिया जीतेगी। अब शर्म तो नहीं आती आपको? घोड़ों से दिलचस्पी है, अपने घर की कोई फिक्र नहीं। तुम कौन होती हो घर की फिक्र करने वाली? ये घर मेरा है और इस पर मेरा हक। हाँ हाँ, मैं कौन होती हूँ? बाप दादा की सारी जायदाद तो आपने रेस और जुए में तबाह कर दी है, अब इस घर में रह ही क्या गया है? चंद टूटे फूटे बर्तन है, इन्हें भी ले जाओ, इन्हें भी ठिकाने लगा दो। और बच्चे का क्या है, इसे यतीम खाने भेज दो, बीवी बीवी मांग तांग के गुजारा कर ही लेगी, यही चाहते हैं ना आप? अशर मियाँ, मोटर के आसमी मंसूर मियाँ हलाक हो गए, आपकी बहन की हालत नाजुक है। वकील साहब आगे बढ़े। इस वसीयत नामे के मुताबिक मेरी मौत के बाद मेरी बेटी सलमा तमाम जायदाद की वारिस होगी, और इसके बालिग होने तक मेरे भाई अरशद इसके सरपरस्त और इसकी जायदाद के अमीन होंगे। भाई जान, मेरे पास सलमा का आपके सिवा कोई नहीं है। ऐसा न कहो सुरैया, ऐसा न कहो। सुरैया, तुम इस नन्ही गली की खातिर अभी जिंदा रहना होगा। ऐसा तुम मेरी चंद सांस बाकी रह गई है। मेरी ख्वाहिश थी कि सलमा की शादी आमिर से करते, अब ये फर्ज आप अदा करेंगे भाईजान। आप इसकी हर खुशी का ख्याल रखेंगे। मेरी बहन, मैं सलमा को आमिर से ज्यादा अजीज रखूंगा। इस वसीयत नामे पर दस्तखत कर दीजिए। और आमिर को पहना दीजिए, इन दोनों के बालिग होने तक मेरी निशानी आपको मेरी वसीयत की याद दिलाती रहेगी। नई कोठी में कदम रखने से पहले आप अपनी मरहूम बहन की वसीयत ज़हन नशीन कर लें। ये घर और यहाँ की हर चीज सलमा की अमानत है, और ये लॉकेट आपको आपकी बहन की वसीयत याद दिलाते रहेंगे। हाँ, तो मैं कैसे भूल सकता हूँ? Thank you.
बड़े परेशान नजर आ रहे हैं बेगम। आज फिर ब्लू हॉर्स तुई से मार खा गया। ओहो, खुदा की मार हो इस पर। ये मुई रेस न जाने कब हमारा पीछा छोड़ेगी। अपना तो सब कुछ लुटा बैठे हो, अब मरहूम बहन की जायदाद भी तुम्हारी आंखों में खटकने लगी है। बेगम। हाँ हाँ, क्या गलत कहती हूँ। इस जायदाद पे आपका कोई हक नहीं। ये सलमा की अमानत है और मैं इस अमानत में खयानत कभी नहीं होने दूंगी। बेगम, जबान को लगाम तो। मुझे तुम्हारी नसीहतों की कोई जरूरत नहीं। डैडी, मम्मी। ओहो, सलमा बेटी स्कूल से आ गई। सलमा इस घर और तमाम जायदाद की वारिस है। इसके होते हुए तू अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकता। मुझे अपने रास्ते का ये कांटा हर सूरत में हटाना होगा। चलो कपड़े बदले, आओ आमिर। आपका कोई हक नहीं। ये सलमा की अमानत है और मैं इस अमानत में खयानत कभी नहीं होने दूंगी। आओ बेटी, तुम्हें झूले की सैर कराऊं। अबू, मैं अभी। तुम नहीं, पहले सलमा झूलेगी, तुम यहीं ठहरो। क्लिनिक चलो। ए बाबू साहब। आमिर, ये है आपकी बच्ची। झूले में बैठा के भूल गए थे। अजीब आदमी आप भी। मेरी बच्ची। अरे मेरे मालिक, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। इस नदी की जान के सदके मुझे मेरे आमिर से मिला दे। मेरे मौला, मुझे मेरे आमिर से मिला दे। मेरे मालिक, अब क्या जवाब दूं साबरा। मैं जिसके लिए गढ़ा खोदना चाहता था, आज खुद उसमें गिर गया। आमिर न जाने कहां खो गया। मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। मैं उसके बगैर एक पल जिंदा नहीं रह सकती। मुझे मुझे मेरा आमिर लाकर दो, मुझे मेरा औलाद लाकर दीजिए। मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे आमिर चाहिए, मुझे आमिर चाहिए। मैंने शहर का कोना कोना छान मारा, वो मुझे कहीं नहीं मिला। मैं उसे कहां तलाश करूं, कहां तलाश करूं। आमिर, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। सारा, सारा। Thank you.
क्या बात है बेटी, क्यों परेशान? डैडी मुझे पिकनिक पर जाना है और अभी तक उसने सामान तैयार नहीं किया। बेटी कब का फजलू से कहकर गाड़ी में रखवा दिया है। अरे सलमा, क्या पिकनिक मनाने का यही इरादा है? अरे भाई ये तुम लोगों की पिकनिक का मौसम कब तक रहेगा? अंकल बस ये आखिरी पिकनिक है, फिर कॉलेज खुलते ही इम्तिहानों के बच्चे होंगे और हम आइए का भी छीनने की क्या जरूरत है। चलो चले। ओके डैडी। ओके मम्मी। ये क्या बजा रहे हो? घंटी। घंटी? अरे घंटी इसलिए बजा रहा हूँ कि वो 10 नंबर ही भाग गया है। कैसे भाग गया? ऐ कैसे भाग गया? ऐसे ये कौन सा मौका है टकराने का? दादा कहीं 10 नंबर अबे अबे आ जाए। वो तो 2 नंबर ही है। ओ मारा ये क्या शोर मचा रखा है? क्या ये इमरजेंसी बेल किसने बजाई? वो डॉक्टर साहब, वो इमरजेंसी बेल भाग गई थी लाहौल वाला, वो 10 नंबर ही भाग गया था ना, तो इसलिए उसके लिए इमरजेंसी बेल बजाई थी। ओ पागलों से ज्यादा होश हवास तो तुम्हारे खराब रहते हैं, उनसे ज्यादा मुसीबत तो मैंने मेरे लिए। मगर डॉक्टर साहब, मगर मैंने क्या बात बात बड़ी ठंड है। हाँ यार खुदा के वास्ते ऐसा ना कीजिए, मेरी छुट्टी ना कीजिए, वरना देखिए ना मेरे 12 आदत बच्चे हर रंग के हर टाइप के और तंदूरी की दुनिया से छुट्टी ना हो जाए। रहम कीजिए मेरे छोटी से खानदान की फैमिली में। रहम कीजिए चलो बात में रखो और मेरे लिए चाय। जी बहुत अच्छा। जी बहुत दिमाग खराब कर सारी मुसीबत मेरी जान। जी वो लग दी ले जाओ साथ। जी बेहतर है। वो सर मैंने तो अंदर रख दिए। अभी तो बाथरूम के अंदर रखकर आया हूँ। तो फिर यहाँ से कहाँ आए? वो बता नहीं, वो मैं तो बेटा जी मुझे तो लगता है तुमने नशे की कोई गोली चढ़ रखी। तो बात मुझे तो गोली के नाम से पसीना आने लगता है। अच्छा बाबा दूसरे कपड़े निकालो। जी बेटा बेटा जी ये क्या रखे? क्या रखे? ये कमाल हो गया। ये लीजिए। मुझे तो लगता है कि अब तुम्हारा भी इलाज करना पड़ेगा। पर मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है कि मुझे वाकई अपना इलाज कराना पड़ेगा। कमाल हो। अच्छा बाबा निकाल लेके आ जाओ। तुम्हें जवान हूँ बिस्कुट का ही लेगा। कमाल हो गई ये लेकिन क्या प्लेट को पड़ रहता है? मैं देखकर आया था। कमाल रुपये? अरे हम रुपये की दुकान में नीचे की चाय भी रहे तो डॉक्टर साहब इस कमरे में कुछ अजीब गड़बड़ हो रही है। देखिए मैंने पहले कपड़े वहां रखे थे तो यहाँ से मिले। बिस्किट लाया तो वो गए, चाय लाया तो वो गए। मुझे तो ऐसा लग रहा है, मुझे तो ये डर है कि थोड़ी देर में मैं खुद पे चिड़ी ना हो जाऊँ। मेरा मतलब मुझे यकीन है कि जरूर तुमने नशा किया। आप बताए थे कोई बात नहीं, मुझे लगता जीव भूल का कोई ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा। जी समझ में नहीं आ रहा, कभी कहते हैं टाई निकालो, कभी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। तुम यह क्या कर रहे हो? चलो बाहर आ जाओ। शाबाश। चलो 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 शाबाश। चलो आ जाओ आ जाओ। शाबाश। लो ये भी दे।
वेरी गुड, आ जाओ आ जाओ। शाबाश शाबाश शाबाश। चल डॉक्टर साहब, आप लोग मुझे पागल समझते हैं, रोज मुझे इस कमरे में बंद रखते हैं, पार भी नहीं जा रहे थे। आज मैं अलमारी में छुपाऊं, कल फ्रिज में बंद कर जाऊंगा, फिर आप क्या करेंगे? नहीं राजा, मैं तुम्हें बाहर सैर कराने के लिए ले जाऊंगा, लेकिन वादा करो कि बाहर जाकर कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करोगे। बाहर ले जाएंगे? प्रॉमिस 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 प्रॉमिस। अच्छा आप चलिए खड़े हो जाइए, आप अपनी औकात पे आ जाइए। चलिए कली कली रंगीनियां सी भरी है पदाओं में, आ जा भीगे भीगे मौसम में रुके हुए साथी मेरे, आ जा जा। हम आए तेरी ही खुशबू लेके आए, ऐसे में साथी मेरे हमदम तू आ जा, ऐसे में साथी मेरे हमदम तू आ जा। तारा रा रा रू रू तारा रा रा रू रू तारा रा 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 रू। भीगे भीगे मौसम में रुके हुए साथी मेरे, आ जा हंसते नजारे बुलाए, रिमझिम के नगमे सुनाए, हंसते नजारे बुलाए, रिमझिम के नगमे सुनाए। खिली खिली कली कली रंगीनियां सी भरी है पदाओं में, आ जा भीगे भीगे मौसम में रुके हुए साथी मेरे, आ जा जा। नाम होठों पे है हरदम तू आ जा। तारा रा रा रू तारा रा रा रू तारा रा 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 रू। भीगे भीगे मौसम में रूठे हुए साथी मेरे, आ जा जा। हंसते नजारे बुलाए, रिमझिम के नगमे सुनाए, हंसते नजारे बुलाए, रिमझिम के नगमे सुनाए। खिली खिली कली कली रंगीनियां सी भरी है पदाओं में, आ जा। वो रहा चोर।
अजीब आदमी है। अजीब आदमी है। बदतमीज जंगली। बदतमीज जंगली। क्या कहा? क्या कहा? अरे ये तो कोई पागल है। पागल? तू पागल? तेरा बाप पागल? तेरा खानदान पागल? पागल के साथ इस किस्म की हरकत करते हुए आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अरे वाह, क्या इसके माथे पे लिखा है कि ये पागल है, इसने हमारी चीजें चुराई है, ये चोर है। ये मेरा मरीज है, इसकी ये अजीब और गरीब किस्म की हरकतें, इसके पागलपन की अलामत नहीं तो और क्या है? अगर ये पागल है तो इसके गले में पटा डालकर रखे। आप तो खामखा यानी नाहक नाराज हो गई है। माशाल्लाह आपका चेहरा तो वैसे ही सुर्ख है, गुस्से में आपने और लाल पीला कर लिया है। चुप, संभाल के रखिए आप इन दोनों जानवरों को। चलो यार, तुमसे कितनी बार कहा है कि इस लॉकेट को संभाल कर रखा। आमिर साहब कहाँ? उधर कहाँ चले बरखुरदार? उधर नहीं, इधर इधर है आपकी चांद गाड़ी, आइए। चलो चलो चलो, आ जाओ, आ जाओ जल्दी, इधर इधर चलो बैठो। चलो चलो अंदर चलो, पहले तुम पहले आप चलिए ना। अच्छा हाँ, पहले तो हमें जाना है। कहाँ जा रहे हो मेरे शहजादे? चलो पकड़ के बैठो। हाँ पकड़ा रहा हूँ। डॉक्टर साहब इसको समझाइए, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? इसको समझाइए, मुझसे छेड़खानी कर रहा है। क्या बदतमीजी करो तुम लोग? देखो बिल्कुल सीधी तरह बैठो, वरना मैं आइंदा तुम्हें सैर के लिए कभी साथ नहीं लाऊंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आइंदा नहीं करूंगा। देखिए मेरी तौबा। कहाँ चला गया वो? क्या मुसीबत है यार? कमाल हो गया, यानी फिर गायब हो गया। लाहौर में बलाकूत, आंखों में धूल हो गया कम्बख्त। मेरा ख्याल है वो जरूर लड़कियों की चक्कर वगैरह में गया होगा। मिर्जा मेरा दिल चाहता तुझे जान से मार दूं। अच्छा वो चलो ढूंढो उसे। चलो चलो चलो। मम्मी तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा हो रहे थे। मम्मी बस आप तो यूं ही परेशान हो जाती हैं। तुम्हें क्या मालूम बेटी, जब तुम मेरी आंखों से दूर होती हो तो मेरे दिल को धड़का सा लगा रहता। दरअसल मम्मी देर इसलिए हुई कि एक पागल हमारी जूतियां और खाने का सामान लेकर गायब हो गया। फिर हम सब ने तलाश करके उसकी वो पिटाई की, वो पिटाई की। बस करो सलमा, ये तुमने अच्छा नहीं किया बेटी।
आखिर वो पागल, वो पागल भी तो किसी नसीब माँ का लाल होगा। मेरे बेटे, मेरे लाल, न जाने तू कहाँ होगा, किन होगा मेरा बेटा। अबे फजलदीन, गाड़ी को पानी मार, सेठ साहब को जल्दी गाड़ी देनी है। अबे कौन है भी तू, यहाँ क्या लेने आया है, चल बाहर निकल। अरे रमजू, अबे पिंटू आया उस पर। अबे अबे अरे तुम अभी तक गए नहीं? जाओ जाकर उस पागल को ढूंढ के लाओ, वो सिर्फ तुम्हारी गैर जिम्मेदारी की वजह से गायब हुआ है। मेरी जिम्मेदारी? आप कमाल कर रहे हैं। देखिए ना, जिम्मेदारी का जहाँ तक सवाल है, वो जिम्मेदारी तो आपकी भी थी, और गाड़ी तो आप ही चला रहे थे ना, मैं तो नहीं चला रहा था। कसूरवार मैं अकेला तो नहीं, हम दोनों कसूरवार हैं। 50-50। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता जी। जाओ तो फौरन ढूंढ कर लाओ, और जब तक वो नहीं मिल जाता मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाना, समझ गया? शक्ल? कैसी बातें करते हो मियां, इसी शक्ल के बलबूते पे तो आप इतने से इतने हो गए। लाल वाला कुछ ज्यादा इतने हो गए, मेरा मतलब था इतने से इतने हो गए। वैसे आप गिलोरी खाएंगे? गेट आउट। यू मीन गेट आउट? जी हाँ, गेट आउट। जा तो रहे, बात कम किया करो। हम तलाश करते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिल ही जाएगा, आप फिक्र क्यों करते हैं? क्या करते हैं आप? बहुत बड़ा हुआ है, अगर मुझे पता होता आप आ रही तो मजदूर से तक आज। आपने पहले भी कहा था गिलोरी खाएंगे। सर आप मुझे बुलाए? हाँ सिस्टर, डॉक्टर रशीदा से कहें कि 8 नंबर के मरीज के फाइल मुझे भेज दें। हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। सुनो, चश्मा उतारो, तुम्हारी आंखों से पता चलता है तुम रात देर तक जागते रहते हो। देर तक मत जागा करो, देर तक जागने से इंसान की सेहत खराब हो जाती है और दिलो दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। सुना? और फिर पता क्या होता है, इंसान पागल हो जाता है। थैंक यू फॉर दिस एडवाइस। नो मेंशन, गो एंड टेक क्रश। चल पागल, भाई 10 नंबर। अरे ओ पागल के बच्चे, अरे मिल जा, खुदा के वास्ते मिल जा। अरे मैं तुझे ढूंढते ढूंढते तो मेरे बाल भी सफेद हो गए हैं। कहाँ चला गया तू? अरे मिल जा खुदा के वास्ते, मेरे पास टाइम कम है, वक्त ज्यादा है। अरे खुदा के वास्ते, पता नहीं कहाँ चला गया ये पागल का बच्चा। कब क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उसको? भाईजान, 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 तोता कोई होगा, ये तोता तो अरे वो पागल के बच्चे, अरे वो पागल के बच्चे, मेरी बात कोई बात नहीं। अरे तू क्या करता, तू क्या, बात सुन। अरे बुढ़ा, अच्छा कबड्डी खेलेगा, कबड्डी खेलेगा, खेल हमें भी आती है कबड्डी, 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 कबड्डी। जरा सा बच गया कम्बा। अब बात सुन, मेरी अल्लाह जवानी पर रहम का। अरे बात सुन, अरे आए, अब तो मेरी ब्रेकें भी फेल हो गई। अरे अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। एक दो तीन चार। कहाँ चला गया नाले? अरे खुदा के वास्ते मिल जा, अरे मिल जा। भाईजान, आपने किसी यहाँ पागल को तो नहीं देखा? नहीं, नहीं देखा। अच्छा कमाल है भैया। Oh, baby.
हमका पहले ये बताएं कि लेना क्या है। हंसे खूब मजा आ रहा है। अरे कोई छुट्टा उठा लेना है क्या? अभी आए लेते हैं। आइए आइए हो जो क्या कहते हैं? ये एक अच्छा सा स्पेनिश गिटार। अभी लाए देते हैं। एकदम परफेक्ट लाए देते हैं। आखिरी पीस है, आप हजरात के वास्ते बचा के रखा है। मैं गिटार बजा सकता हूँ, सितार बजा सकता हूँ, पियानो बजा सकता हूँ, अकॉर्डियन बजा सकता हूँ, बजा कर बताओ। ओह नो नो नो, इतना सही काफी है बेबी। इस मॉडल को क्लब ले चलो, इसका बाकी सही हम उधर लेंगे। ठीक है, तुम अभी हमारे साथ चलो। ओह यू फूल, मिस्टर सेलमैन इसे पैक करो। जी मेरे साथ खान साहब से कहो जल्दी से खाना ले। ओके मेरे साथ। ए हम चुरंगी है जो तुम गोल गोल घूमता है, यू मैड मैन। अरे तुमने अपना नाम तो है नहीं। मेरा नाम क्या है? क्या है मेरा नाम? अरे हमको क्या मालूम तुम नाम है? शायद ऐसा खलूस करता है राजा। हाँ मैं अपने मन करा दी। अरे राजा है तो इधर क्या करता है? राजा बजा जो नहीं। चलो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा डिंपल। डिंपल इस मोटे में रखा है। ए, 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 तुम हमारे घर में हमारा इंसल्ट करता है बेबी। इसको बोल दो हम बहुत खराब आदमी हैं। अंकल आप तो जरा जरा सी बात पर टेंपर लूज कर जाते हैं। ये डिंपल सुनो, वो रहा बात, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ फिर खाना खाएंगे। ए इधर काय को आता है? हम बाथरूम में, उधर जाओ।
आपसे इजाजत लेने आया हूँ। अरे बाबा तुमको सब इजाजत है, माय ग्रैंडफादर जाओ जाओ जाओ। अरे बेबी तुम किस मैच कैप को उठा रहा है? ए बेबी बेबी, ये मैड आदमी बहुत पागल होता है, बहुत डेंजरस होता है, कांड खाता है। अंकल ये पागल नहीं है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, और हाँ हमारे क्लब में भी बहुत काम आएगा। किस चीज का काम आएगा? ओके। मैं कैसा लगता हूँ? ए, ए, तुम इस ड्रेस में ड्राकुला का वाइफ लगता है, उतारो ये ड्रेस। मैं उतारूंगा। ए बेबी का ड्रेस खराब हो जाएगा। मैं उतारूंगा। बहुत बकवास आदमी है तुम। बेबी तुम इस जोकर को अच्छा आदमी बोल रहा था, अभी देखो व्हाट अ फूलिशनेस। ए, तुम हमारा नाम हराम किया, हम तुम्हारा लाइफ हराम करेगा। कमाल दिखाऊंगा कि सब लोग बंद रह जाएंगे। ये बात तुम एकदम राइट बोला, जिधर तुम्हारा कमाल होएगा उधर जरूर कोई धमाल होएगा। बेबी इसको लेके जाओ या हमको, अगर ये साथ जाएगा तो हमारा वॉकआउट। प्लीज अंकल। सालगिरह मुबारक। मुबारक हो। सालगिरह मुबारक। मुबारक हो। सालगिरह मुबारक। मुबारक। सालगिरह मुबारक। सालगिरह मुबारक। मुबारक। ये सलमा अभी तक क्यों नहीं आई? उसे तो हर पार्टी में देर से आने की आदत है। तुम केक काटो, वो आ जाएगी। नहीं भाई केक तो नहीं कटेगा। हाँ फंक्शन जरूर शुरू हो सकता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपके सामने मशहूर डांसर डिंपल और राजा एक आइटम पेश करेंगे जिसका नाम है कप्पाली। समझते हैं हम बात को यूं भड़ाना तो अच्छा नहीं। अपनी नजरों को तुम्हें धोखा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं वैसा न हो जाए। जिसे मंजिल समझते हैं वही मंजिल नहीं होती, मोहब्बत मांगने से भी कभी हासिल नहीं होती। जिंदगी भर रहो दो घड़ी दिल लगाना तो अच्छा नहीं।
जिंदगी क्या है, अरे ख्वाब है दीवाने का, एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी बुलबुला है पानी का, ऐसा पानी के जिसमें एक रवानी है, एक आता है एक जाता है, जिंदगी की यही निशानी है, जिंदगी नाम है मोहब्बत का, इसमें एहसास भी है नफरत का, जिंदगी जिंदगी फूल है शोला है बम का गोला है, जिंदगी में बचपन है बुढ़ापा है जवानी है, जवानी एक आग है एक राग है, जवानी हर हाल में दीवानी है, नाम बदनाम जो करती है वो नादानी है, जिंदगी क्या है मोहब्बत क्या है ये समझने की जरूरत क्या है, अच्छा ये माना जिंदगी में प्यार करना भी इबादत है, इबादत हर जगह होती है, मस्जिद में मंदिर में कलीसा में, मोहब्बत का भी दर्जा है इबादत का भी दर्जा है, मोहब्बत पहले होती थी मोहब्बत अब भी होती है, मगर इस दौर में अब तो मोहब्बत एक मुसीबत है, मोहब्बत से ज्यादा आज रोटी की जरूरत है, अरे भाई कोई बैरे को बुलाओ, जो रोटी का नाम आया के आंतों से पयाम आया, ये कैसा भूख का मुकाम आया, कोई पकी पकाई खिला दे मुझको, कोई बैरे की सूरत दिखा दे मुझको, कोई पकी पकाई खिला दे मुझको, कोई बैरे की सूरत दिखा दे मुझको। अरे क्या करते हो? हैं क्या पटरी बदल गई? बात है पर्दे की बज़्म में गैर है, कान में सुन लो कि रुसवाई ना हो, प्यार का सौदा भी मुश्किल हो गया, प्यार में इतनी भी महंगाई ना हो, जिंदगी राज है बस यही जान लो, इसका पर्दा उठाना तो अच्छा नहीं, समझते हैं हम बात को यूं बढ़ाना तो अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। फंक्शन में नहीं जाओ, ये मैनमैन बैडमैन जरूर कोई लफड़ा करेगा, वो तो और हमको इधर बम का गोला बोला। हाँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम तुम सबसे एक्सक्यूज करते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि इसको मेंटल हॉस्पिटल ट्रांसफर करेगा, गुड बाय। ये मुझे तो सारे लगता है। Thank you.
बच्चों की इमदाद के लिए एक स्टेज शो कर रही है। ये तो बहुत नेक काम है। तो फिर बिस्मिल्ला आप ही से होगी अंकल, दीजिए चंदा। बिल्कुल 2000 काफी होगा। थैंक यू डैडी। मम्मी आप इन्हें चाय पिलवा दीजिए। अच्छा बेटी, मैं 2 मिनट में ड्रेस चेंज करके आती हूँ। जल चलना चाहिए, चलो। सुनो शर्मिली, क्या बात है, चलिए चलें।
आओ राजा राजा। हमें डॉक्टर जावेद से मिलना है। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? क्या आप भी डॉक्टर जावेद हैं? जी, कोई एतराज? अच्छी नहीं, आज से मिलकर बड़ी खुशी हुई। और आपको आइंदा भी खुशी होती रहेगी। बात सुनिए, मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, अपने मकसद की बात करें वरना। और बात यह है कि हम यतीम और नादार बच्चों की इमदाद के लिए एक शो कर रहे हैं, जिसके सिलसिले में आपसे चंदा लेने आए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ये तो बड़ी नेकी का काम है। तो क्या 10,000 रुपए का चेक काफी रहेगा? 10,000? क्या आप 10,000 देंगे? कम है? अच्छा नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। चलिए कीजिए ना, हमें जाना भी है। अच्छा, आप इस कमरे में तशरीफ ले जाएं, मैं अपने सेक्रेटरी के हाथ आपको चेक भेजता हूँ। चलिए प्लीज जल्दी करें। चलिए 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 चलिए, जल्दी करें जल्दी। मालूम होता है डॉक्टर साहब खानदानी मनसूबाबंदी के कायल नहीं है। गोरी, मैंने तुझे सहराओं में तलाश किया, पहाड़ों में तलाश किया, तालाबों में ढूंढा, मगर तू कहाँ की गोरी? तुम कौन हो और वो डॉक्टर साहब कहाँ है? डॉक्टर क्या चीज होती है, अरे हम तो प्यार के मतवाले हैं, हमसे पूछो मजनू कहाँ है, लैला कहाँ है, शीरी कहाँ गई, फरहाद कहाँ गया? तुरु तारा तारा पागल पागल दुनिया सारा। के सामने गलत राह आप रहा है। अबे तूने धैर्मी को बिहार में मिला दिया। अरे इससे अच्छा होता कि तू मुझे खास में मिला देता। चल मैं सितार छेड़ता हूँ और तू राग ला मेरे साथ। चल मेरे सुने गोरी। अरे मेरे शागिर्दो, अरे तुम वही रात वाले शेर हो जो हमने मारा था? नहीं, मैं रात वाला नहीं हूँ। है तो दिन वाले हो, तो लेट जाओ। अच्छा कुत्ते कभी गए तुम हो गए गोई के पास, गोई के पास आयो तो बोलो ओले पर रहने दे गोई के पास। फिर कर सुना तेरा शेर कुत्ते कुत्ते तारा तारा पागल पागल दुनिया तारा हमें डॉक्टर जावेद ने यहाँ बैठने के लिए कहा है। डॉक्टर जावेद ने और यहाँ बैठने के लिए कहा है? जी हाँ, और वो हमें चंदे के लिए 10,000 का चेक देने का वादा भी कर गए हैं। चंदे के लिए 10,000 रुपए का चेक? जी हाँ। लीजिए, वो डॉक्टर साहब भी आ गए। जी मैं हूँ डॉक्टर जावेद। वो शख्स, लेकिन वो शख्स कौन था जो? वो पाइप वाला तो नहीं? जा जा। दरअसल बात यह है कि वो यहाँ का एक पागल मरीज है। वैसे आपकी तला के लिए अर्ज है कि ये मेंटल हॉस्पिटल है और यहाँ पर पागलों का इलाज होता है। वैसे बाय द वे, ये चंदे का क्या जिक्र हो रहा था? हम नादार बच्चों की इमदाद के लिए एक शो कर रहे हैं और यहाँ चंदा लेने आए हैं। हाँ डॉक्टर, वो आपके 3 नंबर वाले सखी और दरिया दिल मरीज इन्हें 10,000 रुपए का चेक देने का वादा भी कर चुके हैं। बहुत खूब, अब हम इन्हें 10,000 ही का चेक देंगे और अपने मरीज के वादे का भरन भी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। अब आपको हमारे प्रोग्राम में भी आना होगा। मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, आपको जरूर आना होगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट। वैसे अगर आप इतना इसरार कर रही हैं तो मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू। तुम शर्मिली को जानती हो? वो कभी आती है और कभी चली जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? मुझे बताओ ना, बताओ ना। राजा, डॉक्टर ने कहा है इंसान ज्यादा सोचने से बीमार हो जाता है, तुम्हें आराम की जरूरत है। ये गोली पानी के साथ खा लो, तुम्हें अच्छी तरह नींद आ जाएगी। देखो अगर नहीं खाओगे तो शर्मिली रूठ जाएगी।
आइए सलमा बेगम, व्हाट अ नाइस परफॉर्मेंस। आप तो बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। थैंक यू। देखिए, मगर ज्यादा तारीफ ना कीजिए, कहीं मेरा दिमाग खराब ना हो जाए। कोई बात नहीं, इलाज के लिए तो मेरे पास ही आना होगा। आप तो जानती हैं मैं कैसे कैसे लोगों का इलाज करता हूँ। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा फंक्शन था। डैडी, ये है डॉक्टर जावेद। अच्छा अच्छा भाई, सलमा की जबानी तुम्हारा काफी तारुफ हो चुका। हाँ, तुम्हारी नेक तबीयत और बुलंद इरादों की सलमा ने बड़ी तारीफ की है बेटे। आज परसों बाद ये ममता भरा लफ्ज सुना है, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हुई है। बेटे, तुम जब भी आना चाहो, माँ के घर का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। ये आपकी इनायत होगी अम्मी। हम तो चाहते हैं बेटे, तुम अभी हमारे साथ घर चलो। हाँ, आज रात का खाना हमारे साथ ही खाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं इस वक्त आपके साथ नहीं जा सकूंगा, क्योंकि मुझे एक जरूरी काम से जाना है। मैं वैसे इंशाल्लाह फिर हाजिर हूँ। सर, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बेगम, मुझे यूँ लगता है जैसे ये डॉक्टर बचपन ही से माँ बाप के प्यार से महरूम है। मुझे भी ऐसे लगता है। अभी ठहरो। जावेद ने आज ही आने को कहा था ना? हाँ मम्मी, दोपहर को फोन पे मेरी बात ही नहीं थी। बेगम, इंतजार तो इस तरह हो रहा है जैसे डॉक्टर जावेद नहीं, हमारा आमिर आ रहा है। काश मेरा आमिर यहाँ होता तो ममता की आंखें खोई खोई ना रहती। ओहो बेगम, मैंने तो यूं ही कह दिया था, तुम दिल छोटा ना करो। वक्त ने जो जख्म हमें दिया है उसका मरहम भी आने वाला वक्त ही देगा। एक ना एक दिन हमारा आमिर जरूर आ जाएगा। लीजिए, वो आ ही गए। आराम मम्मी जान। जीते रहो। तुम्हारा इंतजार हो रहा था। अच्छा। मम्मी, ये बड़े मसरूफ डॉक्टर हैं। बड़ी मुश्किल से कहीं विजिट पर जाते हैं। शुक्र है यहाँ आ तो गए। देर से आने की माफी चाहता हूँ। दरअसल डॉक्टर का प्रोफेशन ही कुछ ऐसा होता है जिसकी मसरूफियत उसे चैन से नहीं बैठने देती। बेटी, अब ये बातें तो होती रहेंगी, मेरा ख्याल है खाना खा लेना चाहिए। जी हाँ, ये तो बहुत नेक मशवरा है। इस घर को अपना ही घर समझो बेटे, कभी कभी आ जाए करो। जी हाँ मीजान, अब तो आपके खुलूस की वजह से आना ही पड़ेगा। आओ खाना खाइए। अब तो मुझे यहाँ आने का रास्ता याद रखना चाहिए। फिर तो आप जरूर आते जाते रहिएगा। हाँ क्यों नहीं, अगर मेरे यहाँ आने से किसी को बहुत खुशी हो। अच्छी बात है। जी हाँ, फिर तो ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। पिया नहीं आए रे सकीरी, पिया नहीं आए। लो पिया भी आ गए। माशाल्लाह वह हस्कल्टर लगाया है। मैं बेगम, मैंने कहा क्या था, पूरा सिंगारदान चेहरे पे सजा लिया है। अभी बात तो सुनो। जी, बड़ी मुश्किल थी, मैंने 12 बच्चों को सुलाया है। अच्छा। जरा प्यार भरी नजरों से मेरी तरफ तो देखो। प्यार भरी नजरों से? बेगम, ये प्यार भरी नजरों के चक्कर में मुझे मत डाल, खुदा के वास्ते मत डाल। आज 25 साल हो गए इस प्यार भरी नजरों को देखते देखते, और अब तो ये नजर इतनी भर गई है कि अब ओवरफ्लो हो गया है। अजी बगड़ा बगड़ ना बनो, क्या कही किसी से? नाक मटका तो नहीं हो गया? नाक मटका? भाई नाक मटका तो हमने आज पहली मरतबा सुना। आंख मटका तो ला हौले वला कुव्वत। भाई अब ये कोई उम्र आंख मटके की रह गई है?
अब तो खाली टक्करों पे गुजारा है। वैसे बेगम, अगर तुम चाहो तो एक टक्कर मार सकती हो मुझको। भला भला भला, अब हम में इतनी हिम्मत कहाँ है कि हम तुम्हारी टक्कर बर्दाश्त कर सके। अच्छा ये बताओ, आज मैं कैसी लग रही हूँ? अरे खुदा की बंदी, तुम्हारी इन्हीं अंगड़ाइयों ने तो ये गजब ढाया है कि पूरी 12 अंगड़ाइयाँ सामने लेटी हुई है, छोटी बड़ी है। अरे भली मानस, अगर मंसूबा बंदी वालों को पता चल गया तो एक हंगामा खड़ा हो जाएगा। मैं पूछती हूँ, ये तुम मंसूबा बंदी वालों की धौंस में रहोगे या मेरी? अरे तुम्हारी तो मैं मतलब तुम्हारी तो मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। अच्छा छोड़ो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है। अच्छा जरूरी बातें करनी है, यानी 12 बच्चों के बाद भी कोई जरूरी बात रह जाती है? हाँ मुझे बहुत जरूरी बातें करनी। चलो अच्छा, तो तुम इसको जरूरी बात कहती हो? नसीब, कहिए कैसा आना हुआ? एक मशवरे की जरूरत है। मशवरा? क्या जरूरत पेश आ गई? मुझे नहीं, आपको। जी जी हाँ, या आप हर वक्त अस्पताल के माहौल में रहना क्यों पसंद करते हैं? कभी खुली फिजा में भी रहा कीजिए। मुझे तो डर है इस माहौल में रहते हुए एक दिन आप खुद ही पागल ना हो जाए। देखिए मोहतरमा, आप मुझे जो चाहे कह सकती हैं, लेकिन मेरे प्रोफेशन पे चोट ना करें। ओहो, बड़ा प्यार है अपने प्रोफेशन से। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं। क्या कोई इंसान आपके प्यार के काबिल नहीं हो सकता? हो सकता है। हो सकता है नहीं, बल्कि है। मैं आपका मतलब नहीं समझा। ज्यादा भूल मत बनी, चली आएगी मेरे साथ। लेकिन लेकिन हॉस्पिटल। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। बात तो सुनिए। आपने मुझे यहाँ लाकर बहुत अच्छा किया। लाजवाब कर दिया आपने। ये आप जनाब का तकल्लुफ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर क्या अच्छा लगता है आपको? वो जो मुझे तू कहे और जिसे मैं तू कहूँ। कौन है वो? तू है मैं। मुझे तू अच्छा लगता है।
राजा? जी तो नहीं चाहता मगर। जनाब अगर मगर से काम नहीं चलेगा, अगर इतनी हिम्मत है तो डैडी से बात क्यों नहीं करते? हाँ बस इम्तिहान से भी गुजरना ही पड़ेगा जी। और अगर डैडी नहीं चल सकते तो? तो बाय बाय। सलमा बेटी, सॉरी मम्मी आज मुझे देर हो गई। दरअसल फरजाना के साथ बड़ा ही जरूरी काम था इसलिए मैं उसके घर गई हुई थी। उसके घर गई तो पता चला कि आंटी के घर गई हुई है। तो आंटी के घर गई तो वहां से पता चला कि वो अपने कजन के घर गई हुई कजन के घर गई तो वहां से पता चला कि वो पता क्या चला? आखिर पता ही नहीं चला डैडी कि वो वापिस मेरे ही घर आ रही। अभी भी तो मुझे छोड़कर गई है। वैसे मम्मी है बड़ी प्यारी। वो तो मैं भी देख चुकी हूँ बेटी जी। आप मेरा मतलब है उसे चाय वाय पिला के भेज दी? काफी देर हो गई थी इसलिए बाहर से छोड़कर चली गई। अच्छा मम्मी फजल से कह दें चाय बना के मेरे कमरे में ले आए। बाकी डैडी ओके। ये आपने अपनी बेटी की सहेली को देखा? जी हाँ देखा है। नौकरी से छुट्टी दे दी बेगम, अगर वो पागल एक दो साल में न मिला तो एक साल वाला हुआ। अब मेरा मतलब है अगर वो पागल एक दो रोज में न मिला तो हमारा सबका राशन पानी बंद हो जाएगा और फिर तुम्हारे ये नमूने कहीं फाकल से अल्लाह को प्यारे ना हो जाए। खुदा ऐसी घड़ी ना लाए, तुम अपना दिल छोटा ना करो। आखिर ये बच्चों की फौज किस दिन काम आएगी? अब हम सब मिलकर उस पागल को ढूंढ कर ही दम लेंगे। अरे यही है वो पागल का बच्चा, पकड़ लो, बोल दो हल्ला, यही है हमारे खानदान का जानू। चलो भागो भागो चलो चलो भागो भागो। Thank you.
फिसल गया तो जो थोड़ी बहुत हड्डियां बची है ना वो भी सुरमा हो जाएगी। अरे अरे नीचे उतारा। अरे कह रहा हूँ मेरे बच्चों का ख्याल करने को। अरे तू मेरे खानदान की बर्बादी पर तुला हुआ है। चुप हो जा बुड्ढे। ए दुनिया वालों, ये बुड्ढा मेरा दुश्मन है। तुम लोग इसकी बातों में मत आना। ये चाहता है मैं सारी जिंदगी पागल खाने में रहूं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस पागल दुनिया को और इस पागल बकरे को लात मारता हूँ। बकरा ना कहना, कहीं ये गिर ना जाए ना माकूल। भाई जानवर लेकर आओ, कुछ इंतजाम करो, इसका कोई भरोसा नहीं है। जानवर लेकर आओ। तुम मत जाना, तुम मत जाना। मैं आ रहा हूं शर्मिली, मैं आ रहा हूं। ये तो वही लॉकेट है जो बचपन में आमिर को पहनाया था। कहीं ये मेरा खोया हुआ बेटा आमिर तो नहीं? घबराने कोई बात नहीं, ये दौरा मामूली नौयत का है। लेकिन डॉक्टर ये आप इत्मीनान रखे खातून, मैंने नींद का इंजेक्शन लगा दिया है। दरअसल मरीज किसी हाफी की वजह से अपनी यादाश्त खो चुका है। बेहतर है आप किसी मायर नफ्सियात को दिखाएं। खुदा हाफिज। मम्मी मैं इन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। ये पहले भी डॉक्टर जावेद के मरीज रह चुके हैं। मैं उन्हें अभी फोन करती हूँ। जल्दी जाओ बेटी, जाओ। हेलो, डॉक्टर जावेद हैं? डॉक्टर जावेद जी, मेडिकल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पेशावर गए हैं। कब तक आ जाएंगे? 10-12 दिन के बाद वापसी होगी। अच्छा, जब आ जाए तो कह दीजिएगा सलमा का फोन आया था। बिस्तर पे पड़े हुए। मम्मी ने तुम्हारे लिए जूस भिजवाया है। चलो पियो। देखो अमर, अगर तुम नहीं पियोगे तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। बस मैं नहीं जाऊंगा। आखिर क्यों? पहले तुम बताओ, तुम मुझे पागल समझती हो ना? नहीं नहीं भला, तुम्हें पागल कौन कहेगा? तुम तो बड़े समझदार हो, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हो, तुम तो बहुत अच्छे हो। मैं जानता हूँ तुम मेरी शर्मीली हो ना? हाँ हाँ। देखा कैसे पहचाना? और हाँ शर्मीली, तुम्हें याद है ना, हम दोनों घोड़ों पे बैठ के दरिया की सैर को जाते थे। तड़ाक 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 मैं मछलियां पकड़ता था और तुम मुझे गाना सुनाती थी और मैं खुश होकर तुम्हें गोद में उठा लिया करता था। शर्मिली, आज मैं फिर तुम्हें गोद में उठा लूं? अरे नहीं नहीं, ऐसा ना करना। चलो घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है, मम्मी परेशान होती होंगी। अभी नहीं जाऊंगा। देखो अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। चलो आओ। अभी नहीं। ठीक है, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। अच्छा अच्छा, चलता हूँ चलता हूँ।
बैठा है हमारा बेटा। लो आमिर बेटे दवाई पी लो। नहीं, मैं तो दवाई नहीं पीऊंगा। बड़ों की बात मानते हैं बेटे, शाबाश, पी लो दवाई। मैं नहीं पीऊंगा दवाई। आमिर बेटे, दवाई नहीं पियोगे तो ठीक कैसे होगे? सलमा बेटी इधर आओ। क्या बात है मम्मी? आमिर ने मुझे परेशान कर दिया है बेटी। लो तुम ही पिलाओ इसे दवाई। तुमने अभी तक दवाई नहीं पी, चलो पियो पियो। देखो अगर तुमने दवाई नहीं पी तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी और फिर कभी नहीं बोलूंगी। लो पियो। चलो अब तुम अपने कमरे में जाओ, मैं अभी तुम्हारे पास आती हूँ। सलमा बेटी, आमिर इस घर में सिर्फ तुम्हारी बात मानता है। तुम जाओ तो आमिर को नई जिंदगी मिल सकती है, ये घर खुशियों का गहवारा बन सकता है। मेरी तुमसे एक इल्तिजा है बेटी। मैं चाहती हूँ आप जो चाहती हैं वही होगा। आपकी खुशियों के लिए तो मैं हर दुख उठा सकती हूँ। सलमा बेटी, तुमने ये बात कहकर मुझे वो सुकून दिया है, वो सुकून दिया है बेटी जिसे मैं बयान नहीं कर सकती। आप बेफिक्र रहें मम्मी। अरे तुम अभी सो नहीं? मैं समझी थी तुम्हें नींद आ गई। तुम पास रहोगी तो नींद भी आ जाएगी, तुम चली जाओगी तो नींद भी दूर चली जाएगी। ओहो, बहुत बातें करते हो, रात काफी हो गई है। आंखें बंद करो और सोने की कोशिश करो। मुझे नींद नहीं आएगी। कैसे नींद नहीं आएगी? मैं तुम्हारे पास बैठती हूँ, चलो आंखें बंद करो। जब तक मुझे नींद ना आए तुम जाओगी तो नहीं? अच्छा बाबा नहीं जाते, चलो आंखें बंद करो। बेटी मैंने आमिर की पार्टी के तमाम इंतजाम कर दिया, अब मेहमानों को इनवाइट करना तुम्हारा काम। डैडी मैंने सारे कार्ड भिजवा दिए। डॉक्टर जावेद को कार्ड भेजा? वो कई दिनों से पिशावर गए हैं, मैं टेलीफोन करके मालूम करती हूँ। अरे आपने अपने दोस्तों को कार्ड भेज दिए है ना? वो तो पिछले साल ही भेज दिए थे। आपकी तो मजाक की आदत है। हेलो। जावेद स्पीकिंग। आप आ गए? अरे मुझे तो आज पूरे 3 दिन हो गए हैं। शुक्र है आज आपको ख्याल तो आया। ओहो, ये गिने शिकवे तो होते ही रहेंगे। पहले आप ये खुशखबरी सुन लें। खुशखबरी? किस बात की? अरे वो मेरे अंकल का बेटा जो बचपन में खो गया था ना, मिल गया है। सच, उसके आने से घर की हर खुशी लौट आई है। यकीन जाने जावेद, आमिर की शख्सियत इतनी दिलचस्प है कि बस क्या बताऊं। मेरा तो ज्यादातर वक्त अब उसी के साथ गुजरता है। आपको नई खुशी मुबारक हो। सिर्फ मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा, आपको कल शाम पार्टी में आना होगा। और हाँ, वहीं आपको एक सरप्राइज भी दूंगी, और मम्मी ने आपको खास तौर पर आने की ताकीद की है, समझ गए? ठीक है, मम्मी ने बुलाया है तो मैं जरूर आऊंगा। ओके, बाय बाय। ये लीजिए चाय, आ जाओ ऑफिस नहीं जाएंगे। चले जाएंगे। बेगम साहिबा, आमिर भैया अपने कमरे में नहीं है। हाय मैम, आमिर कहाँ चला गया? आइए जल्दी ढूंढ कर आइए। अरे बेटे, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ये भी कोई आराम करने की जगह? तुम्हें सामने तो शाबाश।
कर रखा है, चलो नहा जाकर। नहीं करूंगा, ये शर्मिली मेरा ख्याल क्यों नहीं रखती, ये मेरी बात क्यों नहीं मानती? नहीं बेटे, ये तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। चलिए उठिए। तो फिर इसे कहो मेरा हाथ पकड़ के मुझे उठा दे। चलो बेटे चलो। चलिए। क्यों कैसा हाथ दिखाया, उठाओ ना ठीक से। मैं घोड़े पे जा रहा था, घोड़े पे फिर क्या हुआ? फिर रास्ते में दरिया आ गया। तो फिर क्या हुआ? तो फिर मैंने घोड़े को एक पेड़ लगाई और घोड़ा दरिया के उस तरफ। बड़े कमाल क्या किया। चलो मान लिया कि तुमको दुनिया का हर काम आता है, लेकिन आज की महफिल तो गाने की है। ये गाना आना बड़ा मुश्किल काम है, ये मुझे नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम अंकल। आपको बहुत बहुत मुबारक अंकल, आपको आपका खोया हुआ बेटा मिल जाए। हेलो, मैंने आपसे कहा था ना मैं आपको एक सरप्राइज दूंगी। हाँ लेकिन बात क्या? आइए मेरे साथ। आइए चलिए। इनसे मिली, ये है आपके साथ, है ना सरप्राइज वाली बात? यकीनन आप इन्हें अच्छी तरह जानते होंगे। बहुत अच्छी तरह। आप इनसे बैठकर बात कीजिए, मैं भी आती हूँ। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। देखिए बिल्कुल ठीक है, आप तो जानते हैं ना ये घर भी मेरा ही है, मुझे मेरे माँ बाप भी मिल गए और मेरा प्यार भी मिल गया है ना, खुशी की बात है। मानो ऐसी खुशियों तो मुकद्दर वालों ने को मिला करती है, और तुम तो वैसे भी। खवातीनो हजरात, आज का ये फंक्शन आमिर साहब की खुशी के मौके पर है, और इस मौके पर आमिर साहब खुद गाना सुनाएंगे। तू सामने है मेरे,
क्या हुआ मेरे लाल? क्या हुआ? तेरी चीखें सुनकर तो मेरा कलेजा फट जाएगा। मुझे यहाँ से ले चलो, वरना डॉक्टर मुझे मार डालेगा। हाँ हाँ बेटे, हम तुम्हें अभी घर ले चलते हैं। आमिर को भी घर नहीं ले जाया जा सकता, इसे आपकी हमदर्दी की नहीं इलाज की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर, मेरे बच्चे का फूल सा चेहरा कैसे मुरझा गया है? अब इसका इलाज घर पे भी हो सकता है? मरीज का इलाज कहाँ हो सकता है और कैसे हो सकता है, ये डॉक्टर का काम है। अगर आप इसका इलाज नहीं कराना चाहती हैं, तो फिर ले जाइए यहाँ से। तुम एक माँ की बातों का बुरा ना मानो, हम सब आमिर को अच्छा देखना चाहते हैं, इसका इलाज यही होगा। बेगम, डॉक्टर साहब जो कुछ भी करते हैं मरीज की बेहतरी के लिए करते हैं। आमिर ठीक हो जाएगा। हाँ चले। छोड़कर कहां चली गई हो? वापस आ जाओ शर्मिली, वापस आ जाओ। शर्मिली अब कभी वापस नहीं आएगी, उसे भूल जाओ। वो एक बेवफा लड़की थी, 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 वो बेवफा थी, बेवफा थी। नहीं, वो बेवफा नहीं थी, वो बेवफा नहीं थी। जिसने मौत को गले लगाना पसंद कर लिया, मगर अपनी वफा को रुसवा ना होने दिया, वो बेवफा नहीं हो सकती, वो बेवफा नहीं हो सकती। वो असीम थी, वो बात अजीम थी, वो बात अजीम थी। तुम अब बिल्कुल ठीक हो गए हो, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। आमिर, आमिर कौन? आमिर, अरे भाई तुम और कौन? मैं आमिर नहीं, मैं असलम हूं। लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने तो... मेरे माँ बाप को तुम्हारे बेकस सौंप चुका है, ये तुम क्या कह रहे हो? वो तो भी जिंदा है। शायद तुम अभी तक... मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब, मेरी बात को यकीन कीजिए, मैं आमिर नहीं हूं। मैं पिंडी के जागीरदार अक्रम हयात मरहूम का इकलौता बेटा हूं, और अब इस दुनिया में अपने गमों का बोझ उठाने के लिए तन्हा रह गया हूं। तुम्हारी बातों ने मुझे और उलझा दिया है। अच्छा ये बताओ, शर्मिली तुमसे क्यों जुदा हुई? वो जुदा नहीं हुई डॉक्टर, उसे मुझसे जुदा कर दिया गया। वो नूरपुर की रहने वाली थी। Thank you.
का सौदा करने वाले इतनी दूर दूर नहीं रहा करते शर्मिले। मेरे करीब आओ बाबू। मिलन का ये सपना कहीं नैनों से पानी बनके न बरस जाए। ऐसा कभी नहीं होगा शर्मिली, वो दिन कभी नहीं आएगा। हाँ, ये है मेरे प्यार की छोटी सी निशानी, इसे अपनी धड़कनों से कभी जुदा ना करना। केलो। पर बाबू कहा तू और कहा मेरी हैसियत। सच्चा प्यार हालात और हैसियतों की परवाह नहीं करता माँ जी। अमीर का महल हो या गरीब की झोंपड़ी, इसमें रहने वाले तो सब इंसान ही होते हैं ना, जो एक तरह जन्म लेते हैं, जिनके रगों में एक जैसा खून दौड़ता है। मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। मैं जानती हूँ बाबू, सब परदेशियों की बातें एक जैसी होती हैं। शर्मिले से तुम कितने दिन प्यार का खेल जाने आए हो बाबू? ऐसा ना कहिए, शर्मिले का प्यार मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी ख्वाहिश बनकर मेरे दिल में समा गया है। शर्मिले वो ख्वाब है जिसके लिए अगर मैं अपनी जिंदगी भी कुर्बान करती हूँ तो कम है। माँ जी, सामान्य दिल की बात कहती है, अब आपके इख्तियार है, चाहे तो मेरा दामन खुशियों से भर दें या मुझे मायूस लौटा दें। अगर आपको मेरा आना और मेरी बातें बुरी लगी तो मैं वापस चला जाता हूँ। ठहरो परदेसी, तुम मुझे दूसरों से अलग नजर आए हो। तुम्हारी बातें सूरज की तरह सच्ची मालूम होती हैं। मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगी। शर्मिले का हाथ अब तुम्हारे हाथ में देते हुए मुझे खुशी होगी। मैं जानती हूँ शर्मिले की खुशी भी इसी में है। जाओ बेटा, शर्मिले की डोली लाने का इंतजाम करो। जाओ बेटा। बेटा मैं उससे शादी करके शायद अपने घर ले आया। हम दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। दिन तो नहीं लगाएंगे? अरे नहीं बाबा, मैं तो दो तीन दिन में वापस आ जाऊं, तुम अपना ख्याल रखना। अच्छा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फिर न जाने डॉक्टर हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई। एक दिन जब मैं पिंडी से दूर के आवा था, शाम घर लौटा तो मेरी नौकर ने मुझे बताया। सलाम साहब। वालेकुम। बेगम साहब कहाँ हैं? वो तो गांव चली गई। अचानक गांव कैसे चली गई? गांव से एक आदमी आया था उनकी माँ की बीमारी की खबर लेकर, उनके साथ ही गांव चली गई। कुछ कह के गई? जी, जाते हुए कह गई थी जी, जैसे ही साहब आए उन्हें फौरी गांव भेज देना। ठीक है, फिर मैं भी गांव जाता हूँ। ये क्या हुआ? शर्मिले को बचाओ, उसकी इज्जत खतरे में है। वो ठेकेदार के आदमी उसे धोखे से यहाँ बुला रहे थे। बेटा तुम जाओ। कहाँ है वो? वो बड़े कुएं के पास उसका डेरा है। जाओ बेटा। मगर नहीं बेटा, तुम जाओ, शर्मिले की इज्जत खतरे में है। जाओ बेटा, जाओ। आगा। आगा।
शर्मिली, शर्मिली, ये तूने क्या किया शर्मिली? बाबू, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा इंतजार किए बगैर कहाँ चली गई? मुझे माँ ने सब कुछ बता दिया है, मगर ये ठेकेदार मेरी इज्जत, मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी। अच्छा हुआ तुम आ गए, अब मैं आराम से मर तो सकूंगी। शर्मिली, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा बाबू। शर्मिली, मैं तुम्हारे खून का बदला जरूर लूंगा, मैं तुम्हारे खून का बदला जरूर लूंगा, बदला जरूर लूंगा मैं। उसके बाद मुझे कुछ खबर न रही। हालात ने जो जुल्म तुम्हारे साथ किया है उसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मुझे इस बात की खुशी है कि तुम अपनी जिंदगी में वापस लौट आए। फिलहाल तुम आराम करो, बाकी बातें फिर होंगी। शाबाश डॉक्टर। बेटे, बेटे अब कैसा है मेरा आमिर? मुबारक हो, आमिर ठीक हो गया है, उसकी याददाश्त वापस आ गई है। या अल्लाह तेरा शुक्र है डॉक्टर बेटे, तुमने एक दुखिया मां की लाज रख ली है। डॉक्टर साहब, आज बरसों के बाद हमें वो खुशी नसीब हुई है जो बयान से बाहर है। मैं अभी अपने आमिर को साथ लेकर जाऊंगी। लेकिन इस वक्त आपका उससे मिलना मुनासिब नहीं है, उसे मजीद ट्रीटमेंट की जरूरत है, आप कल की सिवा पाकर ले जाए। हाँ मम्मी, डॉक्टर साहब ठीक कहते हैं, एक ही दिन की तो बात है। अच्छा बेटे, मेरे आमिर का ख्याल रखना। हाँ फिक्र न की। वो पागल है, उनसे कह क्यों नहीं देता कि आमिर उनका खोया हुआ बेटा नहीं है। इस तरह तेरी सलमा और तेरा प्यार तुझे वापस मिल जाएगा। मैं इतना खुदगर्ज नहीं हो सकता, मुझे अपनी खुशियों से ज्यादा अपने पेशे का वकार बुलंद करना होगा। मैं अपनी खुशियों का गला घोट सकता हूं, लेकिन उनको खुशियों से महरूम नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। तू क्यों परेशान है? इसलिए ना कि आमिर तेरी मोहब्बत के रास्ते में दीवार बन गया है, ना तो उसे गिरा सकती है ना आगे जा सकती है। आमिर तेरे बचपन का साथी है, अब इसी को तुझे अपना मुकद्दर बनाना होगा। नहीं, ऐसा हर किस नहीं हो सकता। बचपन तो एक ख्वाब था, और ख्वाब के लिए हकीकत कुर्बान नहीं की जा सकती। लेकिन तूने शर्मिली बनके आमिर के दिल में जो जज्बा जगाया है उसे क्या नाम देगी? क्या वो प्यार नहीं? नहीं, वो प्यार नहीं, हमदर्दी थी। मैंने अब तक जो कुछ भी किया एक माँ की ममता को सहारा देने के लिए किया। माँ को उसका बेटा मिल गया, अब मैं अपने प्यार को और रुसवाते हुए नहीं देख सकती। मैं साफ साफ कह दूंगी, मुझे आमिर नहीं जावेद पसंद है, जो मेरी जिंदगी है, मेरा प्यार है। वो लोग तुम्हें अपना खोया हुआ बेटा आमिर समझते हैं, और तुमसे मिलने के लिए कितने बेचैन हैं इसका अंदाजा शायद तुम नहीं लगा सकते। याद रखो आमिर, इस दुनिया में इंसान को हर खुशी मिल जाती है, लेकिन ममता भरी आगोश दोबारा कभी नहीं मिल सकती। और वैसे भी इस दुनिया में तुम्हारा है भी कौन? मेरी तुमसे एक इल्तिजा है, और वो ये कि अब तुम इन्हीं को अपने माँ बाप समझो।
लेकिन डॉक्टर ये कैसे मुमकिन है? अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जिंदा रहना ये असल जिंदगी है। डॉक्टर अभी तो मुझे शर्मिली के खून का हिसाब चुकाना है। नहीं नहीं आमिर, बिल्कुल नहीं। अब तुम्हें माजी के हर बात बुलाकर एक नई जिंदगी का आगाज करना है, खुशियों की नई मंजिलों तक पहुंचना है, और मुझे उम्मीद है तुम मेरी बातों पर जरूर अमल करोगे। आमिर जो तुम्हें अपना बेटा समझते हैं तुम उनके लिए एक धोखा हो, और जिसे तुम अपनी शर्मीली समझते हो वो तुम्हारे लिए एक झूठा ख्वाब है। तुम्हारा यहां कोई और तेरा गम तन्हा कैसे हम उठाएंगे, तेरा हर सितम तन्हा
चाहो सुबह बेबसी तन्हा आइए डॉक्टर बेटे, अब तो मेरा आम ठीक है ना? जी हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। हम उसे लेने आए। आइए मेरे साथ, आइए। खामोश क्यों है डॉक्टर? बताओ मेरा आमिर कहाँ है? ना जाने कहाँ चला गया, मैं खुद परेशान हूँ। परेशान तुम नहीं हो डॉक्टर, परेशान तो ये माँ है। परसों के बाद एक खुशी देखी, वो भी तुम जैसे खुद गर्ज डॉक्टर ने लूट ली। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? खबरदार जो मुझे अम्मी कहा। बेगम, ये तुम्हें क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं अब इस डॉक्टर का असली रूप पहचान गई हूँ। आपने मुझे गलत समझा है। ये गलत है तो बताओ, सलमा के साथ तुम्हारी दिलचस्पी को मैं क्या नाम दूँ? बोलो, क्या तुमने सलमा को अपनाने का ख्वाब नहीं देखा? मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम डॉक्टर नहीं मेरे बेटे का दुश्मन हो। तुमने आमिर को अपने रास्ते की दीवार समझा। बस कीजिए, आप मुझे जो चाहे कह सकती हैं, लेकिन मेरे पेशे को रुसा मत कीजिए। ये ठीक है कि मैं सलमा को पसंद करता हूँ, लेकिन इसमें सलमा की पसंद भी शामिल है। और आप यकीन करें, मैंने फर्ज के रास्ते में मोहब्बत को कभी अहमियत नहीं दी। आपने जो इल्जाम मुझ पर लगाया है, उस इल्जाम ने मेरे एहसास के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। मैं हर कीमत पर इस इल्जाम को गलत साबित करके रहूंगा, और इस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक आमिर को आपके सामने नहीं लिया था। आइए मेरे साथ। भूल गए, तुम्हें मेरे खून का बदला लेना है, खून का बदला लेना है, खून का बदला लेना है। ठेकेदार कहाँ है? मैं पूछता हूँ, ठेकेदार कहाँ है? ज्यादा भौंकने की जरूरत नहीं है, सीधी तरह मुझे ठेकेदार का पता बता दो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। Oh!
काम के रूप में तुम्हारी वो मौत जिससे तुम आज तक बेखबर थे। सुन तू, मुझे गौर से देखो ठेकेदार, तुम्हें आज भी मेरे चेहरे पर शर्मिली के खून के छींटे नजर आएंगे। तुम जिंदा हो अभी तक? सिर्फ इसलिए कि तुम्हें मौत की तारीकी में दफन करके वो इंतकाम ले सकूं जिसके लिए मेरा दिल ही नहीं है, मेरी शर्मिली की रूह भी बेचैन है। तुम मुझे मारोगे? हाँ, मैं मारूंगा तुम्हें। असलम, आज तेरे हिसाब का दिन है ठेकेदार। याद कर अपने गुनाहों को ताकि तेरी मौत ज्यादा से ज्यादा भयानक हो जाए। याद कर। नहीं करना चाहिए था। इसी इंतकाम के लिए तो आज तक जिंदा था डॉक्टर। आज मैंने शर्मिली की मोहब्बत का कर्ज उतार दिया है। असलम, आमिर मेरे बेटे, मेरे लाल, ये तुम्हें क्या हो गया है? आमिर, मैं आपका बेटा। आमिर नहीं माँ जी। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो बेटे, ऐसा ना कहो। तुम तो सब कुछ जानते हो, तो मैंने बता दो कि मैं इनका बेटा आमिर नहीं हूँ। ये सच कहता है, ये आपका खोया हुआ बेटा आमिर नहीं, ये तो पिंडी के जागीरदार का बेटा असलम है। और एक अरसा हुआ इसके माँ बाप मर चुके हैं। ये कैसे हो सकता है? तो फिर इसके गले में पड़ा हुआ लॉकेट कहां से आया? ये लॉकेट इसे मैंने दिया है, ये मेरे बचपन की निशानी है। हाँ माँ जी, ये लॉकेट डॉक्टर बाबू का है, यही आपका
खोया हुआ बेटा है। नहीं नहीं माजी, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आप लोगों के बाद दुख में। नहीं बेटे, डॉक्टर नहीं असलम, तुम नहीं मारोगे, तुम जिंदा रहोगे, अपने लिए, हम सब के लिए, अपनी सलमा के लिए। हाँ क्यों? नहीं डॉक्टर, अब तो सिर्फ चंद सांसें बाकी रह गई। नहीं असलम, सलमा, सलमा, तुम भी मुझे माफ कर देना, मेरी जिंदगी संवारते संवारते तुम्हारी जिंदगी कांटों से उलझ कर रह गई। नहीं नहीं ऐसा ना करो सलमा। तुम्हारा प्यार मुबारक हो।